अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स की जानिब से हाजिर हूँ एक बार फिर से अडोब डायमेंशन की बहुत प्यारी सी और खूबसूरत सी क्लास। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं हम किस तरीके से अडोब डायमेंशन में मैजिक वांड टूल और सैम्पलर टूल का इस्तेमाल करते हैं। बड़े प्यारे से और छोटे से टूल हैं, इनका इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास में और सीखते हैं इन छोटे छोटे दो टूल्स को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डायमेंशन ओपन कर लेते हैं। और डायमेंशन में हमने जो आज के टूल सीखने हैं बड़े मज़े से और फनी से टूल हैं। हमने क्या करना, यहाँ से कोई सा भी एक 3D मॉडल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद हमने क्या करना, 3D मॉडल है, हम इसको किसी भी एंगल से, आपको बताया हुआ मैंने, हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो इसको मूव कर सकते हैं। हमारे टूल हमारे पास मैजिक वांड टूल और फिर उसके बाद सैम्पलर टूल है। मैजिक वांड टूल क्या काम करता है, जैसे हमने पहले देखा था कि हम ग्रुप सिलेक्शन करके अनग्रुप कर देते हैं ऑब्जेक्ट को और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग करते हैं, तो ये तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास था। लेकिन इसे और ज़्यादा आसान ये है कि अगर हम किसी क्यूब बॉक्स पे हम यहाँ से मैजिक वांड टूल लेते हैं, मैजिक वांड टूल लेके हम सिलेक्ट करते हैं साइड एरिया या टॉप एरिया। मैं साइड एरिया पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखें जो एरिया सिलेक्ट हो गया वो हो गया है ब्लू। ठीक है, चारों तरफ से आप देख सकते हो ब्लू हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें यार कोई मटेरियल ऐड कर दें, तो मटेरियल मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कोई सा भी एक कलरफुल सा। अभी के लिए मैं यहीं पे ला के इसे छोड़ देता हूँ, यही बना देता हूँ। और मुझे कैप के लिए, टॉप के लिए चाहिए कुछ और, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ सिंपल सा कलर, ऐसे जो बॉक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैं यही कलर इसमें लाके छोड़ दूँगा, ये वाला मटेरियल। ठीक है, यही ठीक है। या फिर इसके बाद यहाँ से कोई और हम ले लेते हैं, बस इतना सा। हमने क्या किया, अपने मैजिक वांड टूल से एरिया सेलेक्ट किया, मतलब ये वाला या ये वाला, हम इजीली इसको सेलेक्ट करके इसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ये हुआ मैजिक वांड टूल। और थोड़ा सा और मज़ीद इससे आगे जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसमें मज़ीद चेक करते हैं। मैं एक और बॉक्स या 3D मॉडल यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और इस पर भी यही चीज़ अप्लाई करके चेक करवाता हूँ आपको मैं। सो यहाँ पर मॉडल है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम जो इसकी बेस है उस पर कोई कलर पहले ऐड करना चाहें तो मैजिक वांड टूल से ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, तो देखें यही एरिया सेलेक्ट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई कलर या मटेरियल ऐड करना है तो मैं मेटल ही इसमें ऐड कर देता हूँ, जस्ट अभी आपको बताने के लिए। और कैप में अगर हमने अलग से कोई कलर देना है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और कैप में कोई और कलर हमने डार्क वाला देना है तो हम डार्क वाला कोई और कलर दे के कैप को अलग कर सकते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा है, हम टॉप में इसके एरिया जो है वो हम सेलेक्ट करके अलग से, ठीक है, हर बॉटल पे हर मौक़े पे अलग से काम करता है। इसमें अब ये वाला एरिया भी है और ये वाला एरिया भी है, तो अगर हम इन सब को सेम करते हैं और इसको भी यही मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद सेंटर वाले एरिया को मैं वाइट रहने देता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो देखें इस तरीके से हम अपने 3D मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मतलब हर स्टेप में हमें खुद से कलर अनग्रुप करने के बजाय हम आसानी से इसके कलर को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर पोजीशन लिखी हुई है मैजिक वांड टूल की, ये कितने हिस्से तक कवर करेगा किसी भी एरिया को, तो हम इसको जूम करके थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, हम चेक करेंगे क्या हम जो काम कर रहे हैं ये परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये काफ़ी सोचने वाली चीज़ होती है, तो हम इसको मूव करते हैं। तो देखें यहाँ तक ये हमने जब सिलेक्शन दी थी, ठीक है, तो इसने एरिया सेलेक्ट किया लेकिन कुछ एरिया यहाँ से रह गया था। और ये एरिया क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, अगर हम यहाँ से इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो हम क्लिक करेंगे तो अब ये क्या कह रहेगा, मतलब ये पूरी जूमिंग की सिलेक्शन की पूरी वे लेके चलता है। अगर मैं इसको लार्ज कर देता हूँ तो अब सेलेक्ट करूँगा तो मे बी मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो जाए, मतलब इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो कैप मेरी पूरी एक जैसी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पूरी कैप पे क्या करता हूँ, अगर कोई और मटेरियल ला के डालता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी कैप एक जैसी हो जाएगी, एक जैसा कलर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिलेक्शन के मुख्तलिफ वेज़ हैं और मुख्तलिफ एरिया में अलग से चलती है। देखें अब ये पूरी सिलेक्शन पे
एक ही कैप बन गई है, एक ही कलर की कैप आ गई है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं जिस तरह से मैंने पहले किया था, तो हम इसके सिलेक्शन को लार्ज छोड़ के स्मॉल पे बिल्कुल लास्ट पे लेके आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन देंगे। तो ये स्टेप की सिलेक्शन होगी, मतलब साइड अलग से होगी, टॉप अलग से होगा, और बॉटम यहाँ पे अगर हम यही वाला मेटल या कोई लाइट सा कलर ऐड करना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो इसकी सिलेक्शन का काफ़ी फ़ायदा है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ एरिया को सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। एफ प्रेस करता हूँ मैं, इसे फाइनल कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दो आ चुके हैं। हम कुछ अगले जो हमारे पास सैम्पलर टूल है इसके बारे में देखते हैं। हम यहाँ से 3D मॉडल एक सिंपल सा लेके यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ इसी के सामने ही। हम इसकी भी आर्ट से कॉपी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिखाना कुछ और है। अच्छा, मैंने क्या करना, यही मैजिक वांड टूल लिया, मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यही वाला मैं काम कर रहा हूँ, मुझे समझने लगे यार कौन सा इस्तेमाल किया था, ढूंढने में तकलीफ होती है, टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सैम्पलर टूल ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट है, पहले मैजिक वांड टूल से ये सिलेक्ट करना है, और फिर सैम्पलर टूल लेके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा देखें कलर में फ़र्क है। कलर में फ़र्क क्यों है, क्योंकि हमने बेस का कलर अभी देना है। तो हम फिर से मैजिक वांड टूल लेंगे, ये दोनों टूल आपस में मिक्स होके काम कर रहे हैं। सो टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये वाला कलर वहाँ पर अप्लाई हो गया। तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एंगल में इसे रख के चेक कर सकते हो, काफ़ी आसान सा काम है, और आप इन चीज़ों को सैम्पलर टूल और मैजिक वांड टूल को इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डिज़ाइन में कहीं पे भी इनको बना सकते हो। उसके बाद रेंडरिंग वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ये दो टूल काफ़ी अहम थे तो आपको मैंने बता दिया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं, शॉर्ट सी क्लास थी, और मिलते हैं एक मज़ीद कंप्लीट क्लास लिए, और टेक्स्ट टूल पे हमारी क्लास होगी अगली, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, टेक्स्ट टूल के बारे में एक चीज़ बता दूं कि 2018 में टेक्स्ट टूल नहीं है, ये 2020 में है। तो हमारी अगली क्लास में भी अगर टेक्स्ट टूल की हुई तो हम ऐसा करेंगे कि उससे अडोब डायमेंशन 2020 जो आया हुआ है 2020 उस पे वीडियो बनाएंगे और क्लास बनाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।